भारत के उष्णकटिबंधीय मलाबार तट पर स्थित राज्य केरल नारियल के वृक्षों से आच्छादित समुद्र तटों और बैकवाटर्स के लिए विख्यात है। गॉड्स ओन कंट्री के नाम से विख्यात केरल की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान भी है, जो यहाँ निवास करने वाले विभिन्न समुदायों के भौतिक और अभौतिक पक्षों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। केरल की कृषक संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसी ही एक वस्तु है परा। परा एक मेजरिंग पॉट है, जिसे परंपरागत रूप से धान या चावल नापने के लिए उपयोग किया जाता था। परा सामान्यतः कटहल वृक्ष की लकड़ी और धातु से बनाया जाता है। मापन की आधुनिक प्रणालियों के आगमन के साथ परा का उपयोग सामान्यतः अनाज नापने के लिए नहीं किया जाता है, परंतु अनुष्ठान और अन्य पारंपरिक उद्देश्यों के लिए यह अब भी प्रचलन में है। इसे समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। वर्तमान में परा को केरल के अधिकांश घरों में शुभ मानकर रखा जाता है। इसके आकार और रूप में भी समय के साथ बदलाव आए हैं। छोटे छोटे परा घरों में शोपीस के रूप में भी रखे जाते हैं, लेकिन आज भी कृषक संस्कृति से जुड़े हुए तरह तरह के मोटिफ्स विभिन्न प्रकार के पराओं पर देखे जा सकते हैं। पुराने समय में अच्छी फसल आने के बाद गांववासी स्थानीय मंदिर में उत्सव के आयोजन के लिए देवी देवताओं को एक या अधिक परा धान या चावल अर्पित करते थे। त्योहारों के दौरान निकलने वाली शोभा यात्रा के अवसर पर पारंपरिक हिंदू घरों के सामने धान और अन्य सामग्रियों से भरे परा देखे जा सकते हैं।